जी, आपकी ये जो दुकान है कब से लगी हुई है यहाँ पर, कितने साल हो गए? 15 साल हो गए सर। 15 साल से ये आप मैगी बना रहे हो? तो यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं डेली खाने? बहुत लोग आते हैं। और आपकी मैगी की जो खासियत है, जो मतलब खासियत होती है, वो क्या है? फेमस है बहुत। इनके चैनल देसी मसाले तड़के को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम आए गुप्ता जी मैगी कॉर्नर पर, तो आज हम मैगी बनवाते हैं। और ये 16 सेक्टर मेट्रो के पास में है, ये सामने बिल्डिंग देखिए, गुप्ता जी मैगी कॉर्नर। तो आज हम मैगी बनवाने जा रहे हैं। तो अमूल बटर, अमूल बटर ये डाल दिया, अमूल बटर, प्याज, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, इनको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। नमक, नमक, चिली सॉस, ये मैगी मसाला डाल दिया, वो घोल दिया, अब इसे पानी डालकर इसे घोल दिया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, इसमें मैगी अब पड़ गया, ये हमने मैगी डाल दी। दोस्तों ये सेक्टर 16 से जो सेक्टर 3 के लिए रास्ता आ रहा है मेट्रो से, ये देखिए सेक्टर 16 मेट्रो से ये सेक्टर 3 के लिए रास्ता आ रहा है। उसी के जब आप सेक्टर 16 से आओगे तो लेफ्ट हैंड पे ही कॉर्नर पे ये गुप्ता जी मैगी कॉर्नर की जो दुकान है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप इधर आ रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं या विजिट कर रहे हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मैगी, क्योंकि ये गुप्ता जी की बहुत फेमस मैगी है। ये डाल दिया हरा धनिया। अंकल जी, आपकी ये जो दुकान है कब से लगी हुई है यहाँ पर, कितने साल हो गए? 15 साल हो गए सर। 15 साल हो गए। 15 साल से ये आप मैगी बना रहे हो? तो यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं डेली खाने? बहुत लोग आते हैं। और आपकी मैगी की जो खासियत है, जो मतलब खासियत होती है, वो क्या है? फेमस है बहुत। और ये सेक्टर कौन सा है, मतलब आप एड्रेस एक बार जरूर बता दें हमारे व्यूवर्स को। सेक्टर 3 E11 नोएडा, सेक्टर 16 से मेट्रो के स्टेशन के पास। 16 से अगर आप विजिट कर रहे हैं सेक्टर 3 के लिए, तो पहले ही कट पर गुप्ता जी की मैगी कॉर्नर दुकान है। 11 है ये पीछे स्पेशल, देखिए हमारी चाट मसाला जो ऊपर से अंकल जी ने डाला, चाट मसाला। चलिए जानते हैं कि कैसी बनी है मैगी, गुप्ता जी कॉर्नर मैगी जो बनी है कैसी बनी है। तो आज इनसे राय लेते हैं जो हमारे दर्शक खा रहे हैं। तो मैडम, आपको कैसी लगी मैगी? मैगी बहुत अच्छी है, टेस्टी है, स्पाइसी है, अच्छी है। आपको कैसी लगी भैया? बहुत बढ़िया। कब से आ रहे हैं आप खाने यहाँ पे? एक मंथ से। इनके चैनल देसी मसाले तड़के को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए।